महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। बिना खोए कुछ मिलता नहीं है। क्या सैक्रिफाइस करना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले टेलीविजन देखना बंद करना है, ये सैक्रिफाइस। अब मुझे नहीं पता आप कर पाओगे या नहीं कर। स्टॉप वॉचिंग हॉटस्टार, स्टॉप वॉचिंग साला अमेज़न प्राइम। कुछ नहीं मिल रहा आपको जिंदगी में गालियों के अलावा। ऐसी शानदार गालियां आपको देख के लग रहा है इसने माँ की गाली बहुत देर से नहीं दी, देते तो मजा आ जाए। क्या कंटेंट है उसपे जिसमें प्योर देसी भाषा में माँ की बहन की गालियां हो रही और हम लोग चाव से देख रहे हैं। बुरा मत मानना, आपकी मदर बहुत सारी लेडीज शाम को 8 बजे टीवी के सामने ऐसे एक सीरियल चल रहा है। हर आदमी की 2 बीवियां हैं उसमें, 90% पूरे सीरियल में एक ही अच्छा आदमी है जो मर चुका है। एक ने दूसरे को खंजर मारने के लिए खंजर उठाया, 15 एपिसोड उठाने में और घुसाने में निकल गए। एक पे कैमरा ठिस, दूसरे पे कैमरा ठिस। वो 8 बजे बेटा माँ के पास कह रहे मम्मी खाना, तू हट खाना बाद में, पहले वो निकल जाएगा मेरा अनुपमा। एक अच्छा इंसान जो होता है ना, जिस घर से दही ले लेगा शकल नहीं दिखा पाएगा। किस मुंह से जाओगे तुम उस गाड़ी से जो तुम्हारा खरीदा हुआ नहीं। दहेज तुमको अपने लगता है या ये डिपेंड करता है आपकी परवरिश किस घर में हुई है। जब आप बापे को शौक है दहेज लेने का तो बेटा कहां से मना कर पाएगा। जैसे जैसे सफलता मिलनी शुरू होती है आप ट्रैप में फंस जाते हैं। भाई पहले कूलर नहीं था, कूलर आया तो कंफर्ट मिला। इन्वर्टर नहीं था है ना, तो लाइट जाती थी तो हाथ वाला वो होता था फैन, उसको अपन लोग झलते थे, तुमको याद होगा अगर। तो फिर इन्वर्टर लग गए तो लाइट कैसे जाती है आजकल बच्चों को नहीं पता। भाई आजकल बच्चों को तो पता ही नहीं कि लाइट कैसे जाती है, पंखा बंद कैसे होता है पता है आजकल बच्चों को नहीं। हमारे टाइम पे तो साला रात को 1 बजे वो कूलर चलते का तक, हमने कहा स्यापा साला ये फिर बंद हो। तो जैसे कंफर्ट आया, जिंदगी कंफर्टेबल हुई, कूलर से एसी में आए, हम लोग थोड़ा सा ढीला हो। जैसे जैसे आपने सफलता अर्जित करी, जैसे आप बस से बाइक में आए, बाइक से गाड़ी में आए, आपने अपना जो एक्सीलेटर पर पैर था वो पंजा धीरे धीरे कम करना चाहते। सफलता ने आपको कंफर्टेबल जोन में डाल दिया और ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें 90% लोग फंस जाते हैं साइलेंटली, पता भी नहीं चलता। जैसे जैसे सक्सेसफुल होते जाते हैं वैसे वैसे कंफर्टेबल होते जाते हैं। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, मेरा फिलॉसफी अलग रहा 14-15 साल का। मैं जैसे जैसे सक्सेसफुल हुआ चैलेंजिंग सिचुएशन को अडॉप्ट, उन चीजों के लिए खुद को कोसना जिनके बारे में हमें लगता है कि हमें पहले से पता होनी चाहिए थी। किसी भी फिल्म में जो सबसे खतरनाक सीन होता है या खतरनाक रोल होता है वो बेहतरीन एक्टर को दिया जाता है, सबसे खतरनाक। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है मालिक उस कंधों पर उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या आए तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना है बहुत बहादुर रहे हो।